इको स्पोर्ट गाड़ी में मादक पदार्थ गांजा ले जा रहे एक मादक पदार्थ तस्कर को CIA होटल स्टाफ ने दबोचा। आरोपी की गाड़ी से 30 किलो 566 ग्राम गांजा पत्ती टेप सहित मादक पदार्थ बरामद। CIA होटल प्रभारी निरीक्षक जगशेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक पलवल श्री राजेश दुग्गल IPS के मार्गदर्शन में जिला पुलिस लगातार मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगा रही है। इसी कड़ी में गत दिनांक 23 दिसंबर 2022 को उनके नेतृत्व में गठित टीम अलीगढ़ रोड बड़ोली चौक चांद हट मौजूद थी, जहां उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी नंबर UP 80 CP 3891 मार्क को फोर्ड इसको स्पोर्ट, जिसमें मनोज पुत्र सुरेंद्र निवासी हामिदपुर, मनवीर उर्फ मन्नू पुत्र गुलवीर निवासी हामिदपुर, सुनील पुत्र पतरे निवासी हामिदपुर, जो मिलकर नशीले पदार्थ की तस्करी करते हैं, आज मनशीला पदार्थ लेकर अलीगढ़ यूपी से पलवल की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम द्वारा अलीगढ़ रोड नाका रहीमपुर पुल पर नाकाबंदी शुरू कर दी, जो कि कुछ देर बाद उपरोक्त गाड़ी रहीमपुर की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया तो गाड़ी चालक गाड़ी को नाके से तोड़कर भाग निकले में सफल रहा और गाड़ी में बैठे व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगे। एक व्यक्ति भागते समय सड़क के किनारे पड़े पत्थर पर गिर गया, जो गिरे व्यक्ति को पुलिस ने अपने काबू में ले लिया। जो शख्स के गिरने से उसकी दाहिनी आंख के नीचे और माथे पर हल्की सूजनुमा चोट आ गई है, बल्कि व्यक्ति भीड़ का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गई। उन्होंने आगे बताया कि गाड़ी के नियमानुसार नोडल अफसर सुभाष चंद, उपमंडल अधिकारी जल सेवाएं उपमंडल पलवल की मौजूदगी में तलाशी की गई तो गाड़ी की डिग्गी में दो प्लास्टिक कट्टे मिले, जिन्हें खोलकर चेक करने पर एक कट्टे से दो पैकेट मादक पदार्थ प्लास्टिक टैप सहित और दूसरे कट्टे से एक पैकेटक मादक पदार्थ प्लास्टिक टैप मिला। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करने पर पहले पैकेट का 10 किलो 186 ग्राम गांजा पत्ती, दूसरे पैकेट में 10 किलो 180 ग्राम गांजा पत्ती, तीसरे पैकेट में 10 किलो 200 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई। देखिए, ये कल शाम करीब 6:30 बजे के करीब की बात थी। हमारी टीम के पास कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग, एक गाड़ी है, इको स्पोर्ट्स गाड़ी है, उसके अंदर नशीला पदार्थ लेकर यूपी से पलवल की तरफ आएंगे। तो इसी कड़ी में हमने कल नाका लगा के हमारी टीम ने वहाँ पर व्हीकलों की जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना के मुताबिक हमने एक गाड़ी थी यूपी नंबर, जिसका नंबर UP 80 CP 3891 गाड़ी थी, सफ़ेद कलर की इको स्पोर्ट्स गाड़ी थी। तो गाड़ी को जब हमने रोकने का इशारा किया तो इसमें से दो आदमी थे वो फरार हो गए और एक आदमी था जो मनोज नाम का, इसको हमने मौके से काबू किया। सर, किस स्थान की घटना और क्या क्या आरोपियों से बरामद किया? रहीमपुर नाके के पास की घटना है, रहीमपुर नाके के पास की घटना है। तो हमने इसकी तलाशी ली और इसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट को हमने अपॉइंट कराया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जो गाड़ी की तलाशी ली और गाड़ी में से 30 किलो गांजा पत्ती है वो हमने बरामद किया। सर, इसमें भागे गए आरोपी क्या क्या नाम है आरोपी? इसमें एक के मनवीर नाम है और दूसरे का नाम सुनील है। ये इसके गाँव के हामिदपुर के ही रहने वाले हैं, हामिदपुर जिला अलीगढ़ में पड़ता है। जो गिरफ्तार किया इसका क्या नाम सर? इसका नाम मनोज है, मनोज पुत्र शैलेंद्र है सर। कहाँ का रहने वाला है? हामिदपुर गांव का रहने वाला है सर। इस गांजे की कीमत कितनी होगी सर? लाखों में कीमत है इसकी सर, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते लेकिन कई लाख रुपए कीमत है सर। तो कुछ पता चला है कि ये गांजा कहाँ से लेके आए? अभी इसको आज कोर्ट में पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड लेंगे, फिर इसके गहनता से पूछताछ करेंगे। क्या कोई इन पे हथियार वगैरह भी? नहीं, कोई हथियार नहीं।